नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो दो दिवसीय वाराणसी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जहां आपको बता दें प्रयागराज में नए कार्यालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने उद्घाटन किया, तो कार्यकर्ताओं को जेपी नड्डा ने इस दौरान संबोधित किया है। वहीं उन्होंने कुछ बयान भी दिए। उन्होंने कहा कि मुझे काशी में आने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। काशी की धरती को मैं नमन करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी जब पीएम बने तो इच्छा जाहिर की थी, इच्छा में पीएम ने कहा था कि भव्य कार्यालय होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 80 कार्यालय बन रहे हैं, 80 में से 53 कार्यालय बनकर तैयार हो चुके हैं। ये हार्डवेयर है, इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो है कार्यकर्ता। सत्ता में आकर भारत की तस्वीर बदलना एकमात्र हमारा मकसद। सभी नेताओं ने किसानों के साथ छल किया है, किसानों के लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो वो पीएम ने किया है। बीजेपी कार्यालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रयागराज उद्घाटन किया गया। जेपी नड्डा दो दिवसीय दौरे पर। क्या आजाद देश था, क्या महिलाओं को क्या इज्जत मिली हुई थी। अगर वो सूर्यास्त और सूर्योदय का इंतजार करती थी अपने दैनिक नित्यक्रम से निवृत्त होने के लिए, तो ये भारत की तस्वीर थी। और मोदी जी ने 6 साल के अंदर 11 करोड़ इज्जत घर बना करके 11 करोड़ महिलाओं का सशक्तिकरण किया, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में आपने 2,62,00,000 लोगों का इज्जत घर दिया, उन महिलाओं का सशक्तिकरण किया। ये छोटी घटना नहीं है, इसको हमको समझना पड़ेगा, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में समझना पड़ेगा। आप बताइए, गरीब लोगों के घर में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए तो आप क्या कहते थे? चाचा गया गया। क्यों? क्योंकि इलाज की व्यवस्था नहीं थी। किसी को कैंसर हो जाए तो समझो गया, या वो गया या घर गया, दोनों से एक तो जाना ही था, या खेत गया। आज आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल रहा है। तो ये चीजें हमको समझनी होगी कि विकास के दृष्टि से, और हम लोग राजनीति में सत्ता पर बैठने नहीं आए हैं, सत्ता का उपयोग करते हुए भारत को और भारत के समाज को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए आए, ये हमको समझना चाहिए। और मित्रों, जब मैं इसकी चर्चा करता हूं, आप देखिए, अभी ये पेंडेमिक आया, ये हमारे लिए पुराना था क्या, और अमेरिका के लिए नया था क्या, यूरोप के लिए पुराना था क्या, और हमारे लिए नया था क्या? नहीं, सबके लिए नया था, सबको मालूम नहीं था। और बताइए, यूरोप की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमसे अच्छी थी कि नहीं थी? आप बताइए, अमेरिका की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमसे अच्छी थी कि नहीं थी? लेकिन अमेरिका लड़खड़ा गया, यूरोप अपने आप में पेंडेमिक के सामने असहाय महसूस करने लगा। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 130 करोड़ जनता को सही समय पर फैसला लेकर के लॉकडाउन लगा करके 130 करोड़ की जनता को बचाया। आज हमारे पास 2,000 से ज्यादा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, आज हमारे पास 2,500 से ज्यादा टेस्टिंग फैसिलिटी है, आज हमारे पास 11 लाख प्रतिदिन टेस्टिंग की कैपेसिटी है, आज हमारे पास 5 लाख प्रतिदिन पीपीई किट बनाने की ताकत है, आज हमारे पास साल के अंदर 3 लाख वेंटिलेटर बनाने की ताकत है। ये एक साल में मोदी जी ने खड़ा किया, ये हमको समझना चाहिए। और हमारी स्थिति क्या है? सबसे कम डेथ टॉल, सबसे अच्छी रिकवरी रेट, ये भारत में कोरोना का हो गया। अब आपने देखा होगा कि कोरोना से लड़ने का काम और प्रजातांत्रिक तरीके से सारी चीजों को किया गया, देश को साथ में जोड़ करके किया गया। और यूएन ने क्या कहा? यूएन ने कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज नॉट ओनली एड्रेस द हेल्थ इश्यूज, ही हैज ऑल्सो एड्रेस द इकोनॉमिक इश्यू। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, 80 करोड़ की जनता को 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल मार्च महीने से लेकर के नवंबर महीने तक देने की व्यवस्था की, तो नरेंद्र मोदी। वहीं सीएम योगी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है, सुनिए। सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि सिद्धांतहीन राजनीति मौत का फंदा होता है। ये वैसे ही नहीं कहा, हम लोगों ने मूल्य और सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया, और वही मूल्य सिद्धांत जो जन विश्वास पर हम सबको खरा उतरने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, उसका आधार स्तंभ हमारे संस्थापकों और नेतृत्वकर्ता
के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन के साथ साथ उसके आधार स्तंभ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, जहां पर आपने देखा होगा अभी 2 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भव्य राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न किया। आदरणीय गृह मंत्री जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब उन्होंने इस परिकल्पना को कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मतलब केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि देश और समाज की समस्याओं के बारे में परस्पर चिंतन की परंपरा को आगे बढ़ा करके उन समस्याओं से जूझते हुए हम समाज की समस्याओं का मार्गदर्शन का काम और उस समस्याओं का समाधान का रास्ता भी निकालेंगे, या कहीं से निकलेगा तो अपने नेतृत्व के मार्गदर्शन में पार्टी के कार्यालयों से उस चिंतन की परंपरा को आगे बढ़ाने का, समस्याओं के समाधान मार्ग निकालने का एक माध्यम हमें प्राप्त होगा। और उसके लिए मैं काशी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं कि आज उनके पास अपना एक भव्य कार्यालय, यहां पर पार्टी के संस्थापकों और नेतृत्वकर्ता के मार्गदर्शन में भारत को दुनिया की एक महाशक्ति बनाने, एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब भारत दुनिया की एक महाताकत के रूप में उभरता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो वह एक अवसर हम सबके सामने है जब हम लोग अपने कार्यालयों के माध्यम से चिंतन की, अपने मूल्य और सिद्धांतों के बारे में दुनिया के सामने जो आश्चर्य कौतूहल का विषय बना हुआ है, उस पर एक नए शोध को आगे बढ़ाने का एक माध्यम उपलब्ध करा पाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, क्या कहा है सुनिए। आप देखे होंगे जनसंघ का, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जब नींव रखी गई, उसके बाद 84 में मात्र 2 सीटें थी देश के अंदर, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व कर रहे थे, उस पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं। आदरणीय अटल जी ने कहा था जब लोग चिढ़ाते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, तब उन्होंने कहा था अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। 14 सालों के अंदर देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के अंदर कमल खिलाया। देखो आज आदरणीय मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं। एक दिन मैं ऑटो टेम्पो चालकों के साथ लखनऊ में बैठा था मित्रों, चाय पर चर्चा के लिए मैं आग्रह किया कि ठीक है तुम्हारी बात हमने सुन लिया, लेकिन ऐसा 2 काम आदरणीय मोदी जी के बारे में बताओ, सबसे अच्छा काम क्या किए हैं। वह खड़ा हुआ, वह मुस्लिम था टेम्पो चालक, उसने कहा मोदी जी के आने के बाद भ्रष्टाचार बंद हुआ है और मेरा पक्का मकान बन रहा है। वही वाराणसी के रोहनिया स्थित काशी क्षेत्र का कार्यालय उद्घाटन करने से पहले मुख्य द्वार पर बालू के रेत पर बने अपनी तस्वीर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब उन्होंने देखा तो वहीं स्थित आर्टिस्ट रूपेश सिंह के कंधे पर हाथ रखकर काफी सराहा। कलाकार रूपेश सिंह से संवाददाता आकाश यादव ने बातचीत की है, देखिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत में पार्टी कार्यालय के स्थल पे एक अलग ही कलाकृति उकेरी गई है। वो कलाकृति क्या है आइए हम आपको दिखाते हैं। आप सामने देख सकते हैं ये जेपी नड्डा की ये तस्वीर उकेरी गई है बालू के रेत पे। हालांकि जब यहाँ पर आए ये कलाकृति देखें और कलाकार से भी बात किए, काफ़ी उनको सराहा। हमारे साथ कलाकार भी हैं, इनसे जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात किया। अब बताइए क्या कहें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी कलाकृति को देखे और कहे कि वेरी गुड, किसने बनाया, तो हमने कहा हमने बनाया। और योगी जी ने भी यही पूछा और कहा बहुत अच्छा बना है और थैंक यू बोल के वो आगे चले गए। समय की बात की जाए तो कितना समय लगा ये कलाकृति बनाने के लिए? ये मैं कल शाम से ही बना रहा हूँ पूरी रात, और लगभग दोपहर हो गए बनाने में। दोपहर में ये पूरी फाइनल टच हुई है और उसके बाद कार्यक्रम 4 बजे से था, तो मैं नहा खा के जल्दी जल्दी आया हूँ। वेट कर रहा था मिलने का ही कि कब अब हमारी कलाकृति को मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय या जो भी अतिथिगण आने वाले हैं वो देखेंगे, इसकी उत्सुकता में मैं इंतज़ार कर रहा था। और आए देखे, इस चीज़ को मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम मेरी मेहनत को लोग देख के सराहे, तो इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ। और मैं आए दिन
हर इवेंट को टच करता हूँ। तत्कालिक घटनाक्रम पे तरह तरह की रेत पे आकृतियाँ उकेर के और जनमानस को, आम जनमानस को जागरूकता का संदेश देता हूँ। त्योहारों पे और तत्कालिक घटनाक्रमों पे जागरूक करके और मैं सार्थक संदेश देता हूँ तथा इसके साथ साथ मैंने एक संकल्प लिया है कि जब तक दुनिया का सबसे ऊंचा सेंड आर्ट का रिकॉर्ड चीन का है उसको तोड़ न दूं तब तक मैं अपनी दाढ़ी और बाल नहीं कटाऊंगा और निरंतर ज्वलंत मुद्दों पे काम करता रहूंगा और करता हूं। तो ये कलाकार थे जो बालू की आकृति पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आकृति बनाए थे। हालांकि जेपी नड्डा खुद इनको देखे और सराहा। आकाश यादव, न्यूज़ इंडिया, वाराणसी, भारतीय जनता पार्टी। वाराणसी से खबर, जहां सीएम योगी ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, देश में 2 कोरोना वैक्सीन बनी है और कल से प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी, तो देश और प्रदेश में कोरोना को मात दी गई है। बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता बेहद जरूरी। हर रविवार को आरोग्य मेले का आयोजन किया जाता है। बता दें, कोरोना से लड़ने के लिए पीएम मोदी का भी उन्होंने धन्यवाद किया। साथ ही बीजेपी सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद बीमारियों के खिलाफ अभियान शुरू किया और स्वच्छता मिशन से भी बीमारियों को दूर किया जा रहा है। हम सबको बचाव और जागरूकता का एक मौका दे रहा है। हम सब जानते हैं कि विगत वर्ष 2020 में हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया था कि प्रदेश के अंदर हर रविवार को हर प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आरोग्य मेला का आयोजन होगा और मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के माध्यम से हम लोगों ने आरोग्यता सुनिश्चित करने के लिए उस समय एक विशेष अभियान को आगे बढ़ाने का निश्चय किया था। मैंने देखा था कि मात्र 6-7 आरोग्य मेला ही हो पाए थे। उस समय तक हम लोग 30 लाख से अधिक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रसर हो गए थे। उसी दौरान वैश्विक महामारी कोरोना ने दस्तक दे दी थी और कोरोना के कारण हम लोगों को कार्यक्रम उस समय स्थगित करना पड़ा। लगभग 10 महीने तक कोरोना से साथ जूझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए देश ने भी और प्रदेश ने भी कोरोना को मात दी और अंततः कोरोना आज प्रदेश में न्यूनतम स्तर पर है। हम कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से आज देश में 2 वैक्सीन आए हैं। अब यह वैक्सीन न केवल सरकारी क्षेत्र में बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कल से उपलब्ध होते हुए दिखाई देंगी। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और प्रदेशवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि कोरोना के दौरान उन्होंने जो मार्गदर्शन किया उनकी प्रेरणा पूरे देश को वैश्विक महामारी कोरोना से बचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और आज कोरोना से देश भी प्रदेश भी सुरक्षित है, लेकिन देश और प्रदेश को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही हम सब कोरोना को मात देने के बाद अब उन तमाम प्रकार की बीमारियों के खिलाफ भी एक नए अभियान को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण अक्सर हजारों मौतें प्रदेश में या देश में होती थी। खासतौर पर ये दिमागी बुखार, जिसे हम मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, जिस बीमारी के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बस्ती, देवपाटन मंडल, बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल समेत तमाम अन्य क्षेत्रों में प्रतिवर्ष हजारों लोग इस बीमारी से संक्रमित होते थे, सैकड़ों मौतें।
मेरठ में आम आदमी पार्टी की किसान महापंचायत आयोजित की गई। बता दें किसान महापंचायत में भारी भीड़ देखी गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस महापंचायत को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा किसानों के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई है ये। हर किसान अपनी जमीन पर ही मजदूर बन जाएगा। चुनाव से पहले नौकरी का वादा करते हैं लेकिन बाद में वादा भूल जाते हैं। कील ठोककर सरकार ने अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया है। लाल किले का पूरा कांड इन्होंने खुद कराया। हमारे किसानों पर देशद्रोह के मुकदमे चला रहे हो। हर पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा होगा हमारी सरकार बना दो हम तुमको सही दाम देंगे। सारी पार्टियां कहती है चुनाव के पहले, सारी पार्टियां कहती है जी हम आपको फसलों के सही दाम देंगे। एक पार्टी की सरकार ने आज तक नहीं दिया। अगर आज फसलों के सही दाम मिल जाते हमारा देश का किसान आत्महत्या नहीं करता, हमारे देश के किसान को लोन नहीं लेना पड़ता। हमारे देश का किसान कहता है हमारा लोन माफ कर दो। सारी पार्टियां चुनाव के पहले कहती है हमको वोट दे दो हम तुम्हारा लोन माफ कर देंगे। हर पार्टी चुनाव के पहले कहती है और किसी पार्टी ने नहीं करा। जीतने के बाद कहते हैं पैसा नहीं है, जीतने के बाद कहते हैं पैसा नहीं है। आज ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हमारे किसानों पर देशद्रोह के मुकदमे चला रही है। इतनी हिम्मत तो अंग्रेजों ने नहीं करी थी। अंग्रेजों ने हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे नहीं चलाए थे। तुम हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रहे हो। हमारे किसानों को आतंकवादी बोलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं तुम सारे आतंकवादी हो? पूछना चाहता हूं आतंकवादी हो तुम सारे? दोस्तों ऐसे हजारों हजारों लाखों किसान हैं। एक किसान के दो बेटे हैं। एक बेटा भाई साहब आपको देश के बॉर्डर पे मिलेगा और दूसरा बेटा आज आपको दिल्ली के बॉर्डर पे मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो कुशीनगर से खबर, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर और लाठियां चले हैं। मौके पर पुलिस पहुंची, जहां मोर्चा संभाला पुलिस ने तो पुलिस पर भी इस दौरान हमला कर दिया गया। दशहवा हनुमान चौक का ये पूरा मामला है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जब दो पक्षों में ये ईंट पत्थर और लाठियां चले। खबर कानपुर से है, जहां पुलिस ने 9 छात्र लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों से 28 मोबाइल 4 बाइक बरामद किए। किराए के मकान में रह रहे थे ये लुटेरे। एक लुटेरा 2017 में एनडीए का एग्जाम भी पास कर चुका है। फिरोजाबाद से खबर, जहां गत्ता फैक्ट्री में आग लगी। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें, थाना शेखोहाबाद के नौशहरा स्थित फैक्ट्री की ये घटना है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब गत्ता फैक्ट्री में आग लगी। फिलहाल मौके पर पहुंच दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू भी पाया है। फरुखाबाद से खबर, जहां ट्रेन से कटकर युवक ने जान दे दी। मालगाड़ी ट्रेन के आगे कूदा अज्ञात युवक। जेब से मोबाइल मिलने पर परिजनों को जानकारी की गई। और साथ ही आपको बता दें, रेलवे स्टेशन के पश्चिमी क्रॉसिंग के पास का ये मामला बताया जा रहा है, जहां ट्रेन के आगे कूदकर युवक की जान गई। पता है इसका मीमो मुझको जो है 8:56 पर प्राप्त हुआ, जब उसकी जेब से मोबाइल व पर्स निकला है। मोबाइल व पर्स में उसके आधार कार्ड या उससे जो है संपर्क करने देख करके संपर्क किया गया, तो उसमें उसका नाम उपेंद्र सनोप चौपाल, निवासी बसई खेड़ा, थाना मीरापुर, जनपद फरकावत का था। उसके सिम दूसरे नंबर में डाल करके उसको जो है चेक किया गया, तो उसमें जो है उसके मोबाइल से संपर्क हुआ। तो उनको घर वालों को परिवारजनों को सूचना दिए, तो उसका भाई रजनेश व पिता
शिवपाल यहाँ आए, उन्होंने जो है अपने पुत्र के रूप में उसकी पहचान की। तो क्या, हाँ, ये डेड बॉडी को SI श्री अशोक कुमार द्वारा थाना हाजा पर सूचना दी गई थी, वहाँ से आकर के पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। यूपी के बलरामपुर में आज समाजवादी पार्टी के नेता भानु त्रिपाठी द्वारा ललिया क्षेत्र के मोहनदास बाबा मंदिर में भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित की गई। मूर्ति के अनावरण के लिए सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचे दोनों नेताओं का जिला की सीमा पर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। शिरोमणि संत रविदास जयंती समारोह अंबेडकर पार्क में आयोजित किए गए। बता दें इसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर जयश्री और अपर जिलाधिकारी वित्त ने शिरकत की। रामपुर के जिला आबकारी अधिकारी अवधेश राम विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर दशरथ सिंह EMO चिकित्सालय और संचालन डॉक्टर अरविंद गौतम और मीना सिंह ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर जयश्री ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी भी अपने समय में बहुत सी मुसीबत उठा चुके थे। आज महिला अपने आप में कुछ सशक्त हुई है, लेकिन दलित समाज की महिलाएं आज भी सशक्त नहीं है। अपर जिलाधिकारी राम भरत तिवारी ने कहा कि संत रविदास जी का कार्यक्रम समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से किया जाता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।